कहां से आया था वो छूके हमारे दिल को, कहां गया उसे ढूंढो, कहां से आया था वो, कहां गया उसे ढूंढो। पहले H1N1, फिर डेंगू, फिर चिकनगुनिया, फिर जीका, अब ये नीपा। ये आते कहां से हैं, फिर अचानक कहां गायब हो जाते हैं, फिर अचानक दोबारा कहां से चले जाते हैं। ये पूरा खेल अगर आपको समझना हो, आस्क 3 क्वेश्चन टू द इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज, हेल्थ के ठेकेदारों से सिर्फ 3 सवाल। पहला सवाल कि ये आते कहां से हैं, H1N1 अब कहां गायब हो गया। फिर अचानक एक दिन आ जाएगा, somebody in some part of the country died of H1N1, how do you know, what is the science behind it, what is the theory, no answer। दूसरा सवाल, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम H1N1 और जीका और नीपा, हाउ डू यू नो फॉर श्योर इट इज नीपा। बहुत ज्यादा वो तो आंसर करेंगे PCR टेस्ट, ELISA टेस्ट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज आर नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। इवन द इन्वेंटर ऑफ PCR टेस्ट सेड, लुक मॉन्टेग्नर, दैट टेस्टिंग फॉर विच वायरस इज प्रेजेंट इज इक्वल टू द टॉस ऑफ ए कॉइन, इट इज ओनली दैट मच एक्यूरेट। तीसरा सवाल, द डेथ हैपेंड इन केरला बिकॉज ऑफ एज दे से इज नीपा वायरस, हाउ डू यू नो। सिर्फ एक तरीके से पता चल सकता है, दैट इज ऑटोप्सी रिपोर्ट। क्या आपने ऑटोप्सी कराई थी डेड बॉडी की, इफ येस देन वेयर इज द रिपोर्ट, इट शुड बी मेड पब्लिक। आज के इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नीपा वायरस, कंसेंसस यानी कि सहमति, कंस्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र, और तीसरा क्योर यानी कि समाधान। पहले बात करते हैं कंसेंसस यानी कि सहमति। एक बात तो सच है कि वायरस अटैक करता है, उससे फीवर होता है, उससे कमजोरी आती है, बॉडी एक होता है, लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है, उससे लोग मरते भी हैं और सदियों से मरते आए हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें आपकी स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे चाहे वो जीका वायरस की बात करें, चाहे वो नीपा की बात करें, चाहे वो H1N1 की बात करें, चाहे डेंगू की बात करें, सारे वायरस एक ही तरह से काम करते हैं, सारे में सिम्टम एग्जैक्टली सेम होते हैं, और इन सारे वायरस से कभी कभी इंसान की डेथ हो भी सकती है। सो ये तो सहमति यहां तक तो है, लेकिन प्रॉब्लम कंस्पिरेसी ये है, ये कौन डिसाइड करता है कि इस डेथ को हम नीपा वायरस डेथ बोलेंगे या इसको हम जीका बोलेंगे, इसको H1N1 बोलेंगे, ये मौसम की तरह, ये अचानक कौन कौन से वायरस कब कब आने, ये डिसाइड कैसे होता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट, इसको दैट इज अ पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी। इसको समझाने के लिए लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, मैं आपको ले चलता हूँ 1990, उस वक्त मैं क्लास 11th में था। मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको ये एग्जाम्पल ज्यादा रिलेट करेगा। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती की हर महीने कम से कम एक मूवी आती थी, एवरी मंथ वन मूवी। मैं उनका बड़ा फैन था, उनकी मूवी के नाम भी कुछ ऐसे, देवता, प्यार के देवता, गुनाहों के देवता, रावण राज, गुंडा राज, यम राज, मिलिट्री राज, चीता, द डॉन, कालिया, गुनेगार, सारे मूवी की खासियत थी, विलेन भी लगभग सेम होते थे, साइड डायरेक्टर कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम होते थे, लोकेशन तो ऊटी वाला ही होता था, यहां तक कि मिथुन चक्रवर्ती का जो यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम था, ज्यादातर वो पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे तो वो भी सेम था। सिर्फ हीरोइन जिसका 20% रोल होता पूरे मूवी में, वो अलग होती थी और 2 आइटम सॉन्ग। जब मैं उनकी कोई नई मूवी देखता था तो मुझे ये कंफ्यूजन होता था कि ये मूवी मैंने पहले भी देखी या आज पहली बार देख रहा हूँ। दैट वाज हिज बिजनेस मॉडल, यानी कि हर महीने पोस्टर नया बट कंटेंट वही सेम, लोकेशन भी सेम, वही शूटिंग, और वही शूटिंग को वो बार बार अलग अलग नाम से, दैट वॉज ए बिजनेस मॉडल। आजकल जो मेडिकल इंडस्ट्री उसका भी हाल उसी तरह से, हर साल एक नया पोस्टर आ जाता है, कभी उसमें लिखा आता है H1N1 तो कभी उसमें लिखा आता है डेंगू और अब नीपा। एक्चुअली दे आर मेकिंग अ ग्राउंड फॉर द सेल ऑफ देयर एक्सपेक्टेड न्यू वैक्सीन, एक्सपेक्टेड न्यू ड्रग, वो अपनी एक तैयारी में है। इट इज कॉल्ड द बिजनेस ऑफ फियर, डिजीज मॉन्जरिंग, भय का व्यापार। इंडिया की अपनी कोई स्टडी नहीं है, इंडिया का अपना कोई रिसर्च नहीं है, इंडिया का अपना कोई लैब नहीं है, इंडिया का अपना कोई से नहीं है, ये सारा कंट्रोल होता है CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA, वो बताता है यहां पे कि इस वक्त कौन सा वायरस है और कौन सी बीमारी है, किस चीज को प्रमोट करना है। और यहां के जो डॉक्टर है
स्टेथोस्कोप लगाए डॉक्टर, वहां से जो सुना वो आप तक पहुंचा दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया, भय का व्यापार। तो अब बात करते हैं क्योर की। सहमति हमने बात की, कंस्पिरेसी हमने बात की, नाउ क्योर समाधान। फर्स्ट स्टेप, डोंट गो टू द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को भी इसके बारे में, वायरस के बारे में, वायरल डिजीज के बारे में उतना ही पता है जितना कि आपको पता है। बल्कि अगर आपने डॉक्टर के कहे मुताबिक फीवर को कंट्रोल करने के लिए दवाई ली तो उससे खतरा और बढ़ सकता है। दैट इज कॉल्ड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेथ होते हैं वो इन दवाइयों की वजह से होते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डेथ अमंग ह्यूमंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसीलिए सारी दवाइयां कई कई बार बैन हो चुकी हैं बाहर भी और इंडिया में भी, लेकिन ये जो लॉबी है वो लॉबी बार बार कोई ना कोई बहाने से, प्रेशर से इसको वापस मार्केट में ले आती है। सो द फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट ट्राई टू कंट्रोल द फीवर विद दीज मेडिसिन। दीज आर टू डेंजरस, दीज आर डेंजरस देन द वायरस इटसेल्फ। तो करना क्या है? थ्री स्टेप डाइट, आई कॉल इट लिक्विड फ्लूड एंड सॉलिड, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज कॉल्ड मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी इन इट्स नेचुरल स्टेट। ये कोई नई बात नहीं है, 1950s में ऐसा ही कुछ यूज किया जाता था जब मेडिकल साइंस उतना कमर्शलाइज नहीं हुआ था। आप देखिए मेडिकल साइंस के 1950s के रेफरेंस, जहां से मैंने ये डाइट लिया है आपके लिए, दैट इज राइट देयर। सो इस डाइट में क्या करना है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ फीवर और बॉडी एक, जब भी पहला साइन ऑफ फीवर और बॉडी होता है तभी से आपको इस डाइट को शुरू करना है फॉर द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। सो डे वन डाइट, आई कॉल इट अ लिक्विड डाइट। इस डाइट का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, एंड द फॉर्मूला इज बॉडी वेट बाई 10 एंड दैट मेनी ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। फॉर एग्जाम्पल बॉडी वेट 60 kg है, बाई 10 यानी कि 6 glass सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस मतलब मौसमी है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, इनमें से किसी का भी जूस 6 glass पूरे दिन भर में, प्लस सेम नंबर ऑफ कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में। यानी कि पहला दिन पेशेंट कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ पीना है, वो भी कितने ग्लास वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सिप करके धीरे धीरे पीना है, हर एक घंटे में पीना है, और इस तरह से पीना है। ऑल्टरनेटिवली पिए तो और अच्छा है, एक बार कोकोनट वाटर, एक बार सिट्रस जूस। दैट इज द डे वन डाइट। डे वन जैसे ही ये डाइट शुरू करेंगे तो फीवर 101 के ऊपर नहीं जाएगा, बॉडी एक धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, आपकी थकावट भी कम आपको लगेगी, आप पूरे कंट्रोल में होंगे, सो यू विल बी कंफर्टेबल। ऑल दो वायरस है, लेकिन डे वन डाइट। डे टू आई कॉल इट अ फ्लूड डाइट। लुक एट द फॉर्मूला, बॉडी वेट बाई 20 into that many glass of citrus fruit juice again. यानी कि 60 kg है तो by 20 that becomes 3 glass. So plus same amount of coconut water plus your body weight into 5, that is if it is 60 kg your body weight into 5, that is 300 grams of two kind of vegetable, the most important that is tomato and cucumber. So patient को day 2 में सिर्फ इतना ही लेना है। Now day 3 diet, the final day diet, that is here on the screen, that is you can see the formula, the breakfast, then the lunch, and finally the dinner. Dinner is homely cooked vegetarian meal, and by third day you are free from the virus. फिर चाहे वो वायरस का नाम कुछ भी हो, क्या लेना देना, इंपॉर्टेंट है कि जैसे पहला स्टेप आपको पहला फीवर का पहला अंदेशा हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, यू स्टार्ट दिस डाइट, एंड बाई थर्ड डे वो जो भी वायरस हो इट विल बी गॉन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वायरस cannot stay in your body for more than 3 days if you intake high amount of vitamin C in its natural state, not in tablet form. Natural state मतलब फलों से जब आता है, that is natural state. So आपने अपने body में एक ऐसा environment create कर दिया कि ऐसे environment में virus cannot survive, it cannot multiply, it has to die. There is a simple formula which can save people from the panic, from the harassment, even from the death, and it can save the people from this conspiracy of viral disease. Me, Dr. Vishwarupa Rai Chaudhary, all the best. Thank you.